दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ लव राशि फल फरवरी 2021। फरवरी का महीना प्रेम का महीना कैसा जाएगा आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थितियां क्या रहेंगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लव राशि फल जानेंगे, लेकिन उससे पहले नए दर्शकों के लिए बता दें कि हमारा लव राशि फल चंद्र राशि के आधार पर होता है, मून साइन के आधार पर होता है, कुंडली वाली राशि के आधार पर होता है, तो इसे उसी के अनुसार देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार देख पा सुन सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आपके लव राशि फल को बताना। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है इस महीने में, फरवरी के महीने में क्या कोई मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसके साथ साथ नो कांटेक्ट की स्थिति को जानते हैं, ब्रेकअप की स्थितियों को जानते हैं, और भी रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ की, ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो क्या स्थिति रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए भी स्थिति जानते हैं, जिन लोगों का डाइवोर्स हो चुका है, डाइवोर्स लेना चाहते हैं उन लोगों की स्थिति को भी जानते हैं। तो दोस्तों स्थितियों को जानेंगे, आपकी लव लाइफ को जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन और एक बड़ी सूचना आपको दे दें कि 14 फरवरी 2021 का अलग से एक दिन का लव राशि फल मिलेगा। वैसे तो मैं बहुत जल्दी अब दैनिक लव राशि फल देना प्रारंभ करूंगा, और कौन कौन चाहता है कि रोज का आपका डेली का लव राशि फल आपको मिले, अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और दूसरा कमेंट आपको ये करना है कि आपको 14 फरवरी के लव राशि फल में अगर आपको अपना सवाल ऐड करवाना है, मतलब आपके लव राशि फल को बनाते समय आपके सवाल सवाल को ध्यान में रखा जाए उस दिन के लिए, तो आपको अपना सवाल अपने पार्टनर से मिलता जुलता सवाल, या कोई भी अगर आपका प्रश्न है लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि जब 14 फरवरी को लव राशि फल बताएंगे तो वो प्रश्न आपके हमें पता होंगे, और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर, उन्हीं प्रश्नों के कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो प्रश्न अगर सम्मिलित तो होंगे तो आपके जो मन की बात, जो आप हमसे सुनना चाहते हैं, जिस बारे में सुनना चाहते हैं, वो जानकारी आपको मिलेगी। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात, अपने दिल की बात जरूर लिखें, और जो भी प्रश्न है वो लिखें। उसके साथ साथ दैनिक लव राशि फल आपको चाहिए या नहीं ये भी आप हमें जरूर लिखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आपकी लव लाइफ। कुंभ राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो सिंगल हैं तो स्थिति, क्योंकि इस पूरे फरवरी में बुध का गोचर द्वादशस्थ और द्वादश भाव में इनका बुध का गोचर कहीं ना कहीं, क्योंकि बुध हैं सच्चे प्रेम के कारक, जब प्यार की बात करें और सच्चे प्यार की बात करें, क्योंकि सिंगल जो लोग हैं उन्हें पहले सच्चा प्यार ही चाहिए, और हर व्यक्ति को सच्चा प्यार ही चाहिए। अगर प्रेम की परिभाषा को समझते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो फिजिकली नहीं आपसे दिल से प्यार करे। अगर वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो द्वादश में बैठ करके अगर वो व्यक्ति आपकी लाइफ में था भी, तब भी फरवरी के महीने में आपको बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, या ये कह सकते हैं क्योंकि द्वादश भाव दूरियों को दर्शाता है, तो आपका सच्चा प्यार, जो आपसे व्यक्ति प्यार करता था, वो आपसे दूर हो सकता है कि आपको प्रपोज कर दे कोई व्यक्ति, लेकिन वो आपसे दूर हो, आपको फरवरी के महीने में उसकी बहुत ज्यादा याद सताए, आपको सच्चा प्यार तो मिल गया लेकिन वो कोसों दूर बैठा है, इंटरनेट पर मिला या कैसे भी मिला, लेकिन वो कोसों दूर बैठा है। इस बात को आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेचैनी परेशानी होगी कि एक सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति मिल गया लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है। फरवरी के महीने में ये ज्यादा तकलीफें और ज़्यादा परेशानियां आपकी सिंगल लव लाइफ में आएंगी। आप रिलेशनशिप में जाने के बाद में भी ऐसा महसूस करेंगे कि सच्चा प्यार मिलने के बाद में भी एक अकेलापन है। उसके बाद में आपके लिए शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति को देखा जाए तो बहुत सारी मंगल की स्थितियां तो आपके लिए इतना ज़्यादा कोई बुरी तो नहीं है, लेकिन वो मैरिड लाइफ के लोगों के लिए होंगी जो स्थितियाँ हैं। और शुक्र का भी देखा जाए तो शुक्र 21-22 फरवरी तक आपकी राशि से द्वादशस्थ रहेंगे, इस वजह से आपके प्रेम का भी क्षरण होना, क्योंकि द्वादश भाव क्षरण का है, आपके प्रेम का क्षरण का मतलब है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर द्वादश में रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा स्थिति रहेगी कि आपके प्यार को कहीं ना कहीं आप एक तरह से खत्म होते हुए देखेंगे। धीरे धीरे अगर आप रिलेशनशिप में हैं पहले से बहुत समय से,
तो आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा थोड़ा खत्म होते देखेंगे, प्यार कम होते देखेंगे। फिजिकल रिलेशन अगर बना लिए हैं एक बार तो फिर आपका प्यार कम होता दिखेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि द्वादश भाव क्षरण का माना जाता है। यहाँ पर दिन पर दिन वो लगाव, वो प्रीति, वो प्रेम घटने लगता है। उसके साथ साथ यात्राएं एक चीज़ है यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव है कि विदेश में अगर रहते हैं आप तो ऐसे में आपकी यात्राएं अधिक हो सकती हैं, वहाँ पर घूमने फिरने जा सकते हैं। अगर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड विदेश से हैं, मतलब अगर आप विदेश में रहते हैं और वहाँ पर आपके वहीं की कोई व्यक्ति आपका पार्टनर है, तो निश्चित ही आपको घूमने फिरने और बहुत सारी चीज़ें देखने का और बहुत अच्छे से खुशी का माहौल बिताने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए शुक्र, और यही शुक्र आपको ये देखेगा, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनाएगा कि थर्ड पार्टी या ये कह लें कि कोई तीसरा व्यक्ति जो आपके पार्टनर को और आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो पूरे फरवरी में यही मौका देखेगा कि आपको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे आपका नुकसान किया जाए, कैसे आपके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं कैरेक्टर की छवि जो है वो गलत लोगों के सामने लाई जाए। बहुत ऐसी स्थिति बनेगी जिससे कि आपका पार्टनर, अगर पुराना कोई एक्स है, वो आपको परेशान करे, बहुत ज़्यादा परेशान करके आपकी जो अभी की रिलेशनशिप की स्थिति चल रही है उसको बिगाड़ने की कोशिश करे। और आपको ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि वो व्यक्ति आपको खुद छोड़कर गया था, अब वो क्यों हमारी लाइफ में दखल दे रहा है, ऐसी स्थिति बनेगी। उसके साथ साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो आपके लिए बेहद बेहद खास, क्योंकि आपके पंचमेश जो हैं वो बुध बनते हैं, इसलिए बुध का द्वादशस्थ होना ये भी दर्शाता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रेम से दूरियाँ होती हुई दिख रही हैं। अगर मिलना जुलना कोशिश भी करते हैं तो उतनी ही दूरियां बनती चली जाएंगी, और कन्फ्यूजन्स भी रहेंगी, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। राहु की स्थिति ऐसी है, केतु की स्थिति ऐसी है, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होंगी। शनि द्वादश भाव में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं कि विवाद भी बढ़ाते हैं, तो पार्टनर के साथ में छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल और ग्रह कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 21 फरवरी के बाद में यही आपकी लाइफ में शुक्र खुशियां लेकर आने वाला है, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी, बहुत सारा प्यार आ जाएगा। 21 फरवरी के दिन के बाद में आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें प्रेम संबंधों में कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ की स्थितियों को अगर जानते हैं तो मैरिड लाइफ में आपके परेशानियां बहुत ज़्यादा रहेंगी, और ख़ास करके जो लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं या उनके पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहते हैं या ले रहे हैं या डाइवोर्स का केस चल रहा है, ऐसे लोग बहुत परेशान रहेंगे। ऐसे लोगों को तो और ज़्यादा परेशानी होगी जिन्होंने हाल फिलहाल में डाइवोर्स लिया है, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उनका यूज करे और धोखा देकर निकल जाए। ऐसी स्थितियाँ भी बन सकती हैं कि आप जिसके भरोसे से अपने पार्टनर से, अपने पति से, अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं, वो व्यक्ति अब आपको धोखा दे चुका है। ये फरवरी का महीना आपके लिए इतना बड़ा दुख लेकर आएगा अगर आपने ऐसा कोई फैसला लिया है, डाइवोर्स का फैसला लिया है, आपके अपने पति को, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, ऐसा आपको पश्चाताप होगा। दोस्तों देखा जाए तो आपको अगर डाइवोर्स ले रहे हैं तो बचना चाहिए, आपको अपने कैसे भी चीज़ों को संभालना चाहिए जब तक संभलती हैं। फरवरी के महीने में डाइवोर्स अगर लेते हैं तो आपके लिए, या कोई पार्टनर आपका अफेयर इत्यादि है और वहाँ पर जाते हैं उसके भरोसे, वो आपको यूज करके आपको बहुत तगड़ा और बहुत बुरा धोखा दे सकता है। लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिन राशियों के लोग धोखा नहीं दे सकते हैं, उनके बारे में मैंने बताया हुआ है, और इस महीने की वो लकी 3 राशियाँ कौन सी हैं, उन 3 राशियों के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं। तो उससे पहले ये भी जान लेते हैं, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो ये है कि अगर आपने अपने घर पर लव लाइफ की बात की, लव मैरिज की बात की, तो दोनों के परिवारों में विवाद हो जाएगा या बात कर रखी थी तो, क्योंकि मंगल की दृष्टि 21 फरवरी तक ऐसा दर्शाता है, 21 फरवरी से पहले आपकी दोनों के झगड़े हो जाएँ, आपके परिवार के झगड़े हो जाएँ और एक दूसरे के बिल्कुल, एक दूसरे की एनर्जी बिल्कुल मैच ना करें और विचार भी मैच ना करें, तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफें बन जाएं और आपको लगे
कि अब बनी बनाई बात बिगड़ चुकी है। अगर इस बीच में 21 फरवरी तक, 1 फरवरी से 21 फरवरी तक अगर आप अपने रिश्ता लेकर जाते हैं, लव मैरिज की बात करने जाते हैं, तो हो सकता है आपका अपमान हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह दिया जाए। इसलिए यहाँ पर 21 फरवरी तक लव मैरिज की ना अपने घर पर बात करें, ना अपने पार्टनर को अपने घर पर करने दें। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खास करके स्थितियाँ ये बन जाती हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहेंगी, आपको कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति यूज करके छोड़ दे, ऐसी स्थितियाँ बन जाएंगी। और बहुत मात्रा में तो ये भी स्थितियाँ बनती हैं कि क्योंकि आपका जो अष्टमेश है वो बुध है, और बुध जाकर के द्वादश में, तो यानी कि फरवरी के महीने में आपका पार्टनर आपसे बहुत दूर हो सकता है, इस वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां बन सकती हैं, इस वजह से भी परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपको जिस व्यक्ति की फरवरी में सबसे ज़्यादा याद आए, सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो, और तब वो व्यक्ति आपके साथ में ना हो, ऐसी स्थिति बन सकती है, या आपसे बहुत दूर हो, कोसों दूर हो। दोस्तों अब हम जानते हैं उन तीन लकी राशियों के बारे में जिन राशियों के आज बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी फरवरी के महीने में, उनकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। अगर उनके एक्स थे या नो कांटेक्ट में थे तो आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं, और आपको आपका पार्टनर मैसेज भी करेगा और आपको बात भी करेगा फरवरी के महीने में। 14 फरवरी में क्या होगा विशेष, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लव राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अब जानते हैं वो तीन राशियाँ। राशि नंबर 1 मिथुन राशि, इस राशि का पार्टनर है तो काफ़ी प्यार मिलने वाला है। दूसरी राशि है सिंह राशि, और तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि के साथ में आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। इन राशियों की अगर रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी रहने वाली हैं। दोस्तों कमेंट में जयश्री राधे जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई इसे लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैनिक लव राशिफल आपको चाहिए, मार्च से मैं देना प्रारंभ कर सकता हूं, अगर आप कमेंट करें और बताएं कि डेली का लव राशिफल आपको चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो मैं ज़रूर मार्च से प्रारंभ कर दूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।